जादुई विशाल स्विमिंग पूल। मोहित अपनी माँ सुषमा के साथ एक बड़े शहर में रहता था। अब मोहित के काम की गर्मियों की छुट्टियां थी। मोहित बेटा, तेरे पूरे एक महीने की छुट्टियां हैं, तो तूने इन छुट्टियों में क्या प्लान किया हुआ है? कुछ नहीं माँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये छुट्टियां सोकर बिता दूँ। चुप कर, हमेशा मजाक। अरे माँ, सच बताऊँ तो मेरा इन छुट्टियों में गरीब लोगों के लिए ऐसा कुछ करने का मन है जो गरीब कभी नहीं कर पाते। आप समझ रही हो ना? तू और तेरी ये गरीबों के लिए भावनाएं बस तू ही जानता है। अच्छा समाज सुधारक, अब ये सब बातें छोड़। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी छुट्टियों को बिताने तेरी नानी के घर चलें। अरे नहीं माँ। सुन तो सही, तेरी नानी का गांव बहुत पुराना और गरीब है, तो तू वहीं पर गरीब लोगों के लिए कुछ कर देना। अपनी माँ की बात सुनकर मोहित अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने को तैयार हो गया। फिर क्या था, जल्दी जल्दी दोनों ने रात में ही पैकिंग की और सुबह वो दोनों ट्रेन से गांव की तरफ निकल गए। गांव पहुंचकर मोहित बहुत हैरान और खुश था, क्योंकि वहां पर उसे बहुत सी पुरानी चीजें जैसे भूसे की झोपड़ियां, मिट्टी के बर्तन, कुआं और भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। माँ, यहाँ आकर तो लग रहा है जैसे मैं पुराने समय में आ गया हूँ। मैंने बोला था ना कि तुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन नानी माँ का घर कहाँ है? बस आने ही वाला है। चलते चलते दोनों माँ बेटा अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मोहित ने अपनी नानी के घर बहुत मजे किए और उसने पूरा गांव भी देखा। इस तरह से दो चार दिन बीत गए और आज भी मोहित घूमने के लिए ही निकला हुआ था कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे जल्दी ही कोई जगह ढूंढनी चाहिए। मोहित ने एक पक्के घर का छप्पर देखा और बारिश से बचने के लिए वो उसके नीचे खड़ा हो गया। लेकिन वहाँ खड़े होकर जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वो बहुत ही हैरान था। वहाँ बारिश होते ही छोटे से लेकर बड़े सभी घरों से निकल आए और बारिश का मजा लेने लगे। अरे लड़के, तू यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? ऊपर से इंद्र जी की कृपा बरस रही है, आकर इसका मजा तो ले। हाँ जी, नहीं वो। सभी लोग मोहित को ही निहार रहे थे। सभी के चेहरे पर बारिश की इतनी हंसी को देखकर मोहित भी उसी वर्षा में कूद पड़ा। अरे ऐसे बरसात का मजा तो कभी कभार ही मिलता है, इसीलिए दिल खोल कर भीग लेना चाहिए। सभी के साथ बारिश में भीग कर मोहित को बहुत मजा आया। जब बारिश रुक गई तो मोहित भीगा हुआ ही घर जाने लगा, लेकिन उसे अजीब नहीं लग रहा था क्योंकि सभी सड़क पर इसी तरह भीगे हुए ही थे। ऐसी छोटी छोटी चीजों में खुशियां भी बस गरीब ही ढूंढते हैं। मोहित चलता चलता चला जा रहा था कि तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए जो बारिश के बाद सड़क पर भरे हुए पानी में डुबकियां लगा रहे थे। अरे बच्चों ऐसा मत करो, तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। अरे भैया कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। तो क्या तुम हमेशा ही ऐसा करते हो? अगर तुम्हें तैरना इतना ही पसंद है तो तुम स्विमिंग पूल में क्यों नहीं तैरते हो? अब ये स्विमिंग पूल क्या होता है? बच्चे की बात को सुनकर मोहित हैरान हो गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में कमाल के आइडिया ने जन्म लिया। मोहित ने घर जाकर अपने कपड़े बदले और थोड़े पैसे लेकर वापस बाहर की तरफ भागा। अरे बेटा खाना खा ले। माँ आज मेरा हिस्सा आप ही खा लो। अरे सुन तो सही, ये लड़का भी ना। मोहित बहुत जल्दी में घर से भाग आया और बाहर आकर कोई जगह ढूंढने लगा। मुझे समझ आ गया है कि मुझे गरीबों के लिए क्या करना है। ये शायद थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन जो चीज लोगों को खुशी दे, मैं बस कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। मोहित ऐसे ही खुद से बातें करता हुआ एक जंगल तक पहुंच गया। वो जंगल अंदर को बहुत गहरा सा था, लेकिन जंगल के बाहर एक बहुत बड़ी खाली जगह थी जिसमें एक सूखा हुआ बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल था। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। लेकिन समझ नहीं आता, इस गांव के लोग तो स्विमिंग पूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो यहाँ इतना बड़ा पूल कैसे? देखने से तो ये भी काफी पुराना लगता है, इसे थोड़ी सी रिपेयरिंग और टचअप की जरूरत है। इसके बाद ये बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ का भी बच्चा बच्चा जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के बारे में जान पाएगा। मोहित ने शहर से टीम बुला ली और उन्होंने मिलकर उस पुराने विशाल स्विमिंग पूल को एकदम नए और चमचमाते हुए पूल में बदल डाला। आप सभी का शुक्रिया। पूल तैयार होते ही मोहित ने लोगों में उसके प्रचार ले लिए, एडवर्टाइजमेंट पेपर्स बांट दिए। उन्हें देखकर बहुत सारे लोग उसके पूल पर आए। अरे वाह, बिल्कुल शीशे जैसा पानी है, ये क्या चीज है? ये स्विमिंग पूल है, अब क्या आप बस इसे देखते ही रहोगे? जाइए जाकर इसके मजे लो। सभी मोहित के स्विमिंग पूल से बहुत खुश थे, लेकिन उस स्विमिंग पूल में एक जादू था, जो कोई भी इंसान उसके अंदर कूदता तो वो इतना छोटा हो जाता कि आंखों से देखने पर भी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग भी उस पूल में नहा सकते थे।
इसी तरह बस दो चार दिन में ही अब मोहित का स्विमिंग पूल पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। वो उसमें लोगों को नहलाने के पैसे भी नहीं लेता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि एक दिन मोहित रात के समय पूल के पास गया। ये सब क्या है? पूरे पूल का पानी रंगीन हो रहा था और लाइट की तरह चमक रहा था। ये सब क्या है? मेरी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जब लोग इस पुल में कूदते हैं तो वो खुद ब खुद ही छोटे हो जाते हैं और निकलते ही फिर से अपने आकार में आ जाते हैं। और अब ये लाइट, इस पुल का कोई तो राज है। मोहित खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वहां पर एक आदमी था। कौन हो तुम? इस पुल का मालिक? क्या बकवास है, इसका मालिक मैं हूँ। जानता हूँ अब इस पुल के असली मालिक तुम ही हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मुझे भला तुम्हारे बारे में कैसे पता होगा? सही कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह इस गांव में सुधार करना चाहता था। बस तुम में और मुझ में फर्क इतना है कि तुम यहाँ के नहीं हो और मैं यहीं पर पला बढ़ा था। तो क्या हुआ? मैं इस जगह में पूल बनवा रहा था। मैं चाहता था कि यहाँ का बच्चा बच्चा स्विमिंग सीखे और इस फील्ड में अपना नाम करे। लेकिन एक दिन कुछ गुंडे आ गए और जैसे ही उन्हें मेरे इस प्लान का पता चला, उन्होंने मुझे बेरहमी से मार डाला और मेरे सारे पैसे भी चुरा कर ले गए। मोहित उसकी आवाज सुनकर चुप हो गया। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा अधूरी रहने की वजह से मेरी आत्मा इसी पूल के पास भटकने लगी। तुमने मेरे इस सपने को नई जिंदगी दी है, इसीलिए खुश होकर मैंने इस पूल को जादुई पूल में बदल दिया। अब चाहे इसके अंदर सारे शहर के लोग ही क्यों ना आ जाए, मेरे जादू की मदद से वो लोग पानी से टकराते ही छोटे हो जाएंगे और पूल उनके साइज के हिसाब से बहुत बड़ा। अब तुमको समझे? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अच्छी बात है। ये रंग देख रहे हो, ये इस पानी में मेरी यादों और लोगों की खुशियों के रंग है। मोहित ने गर्दन हिलाई और जैसे ही उसने सर उठाकर देखा तो निशांत गायब हो चुका था। उस दिन के बाद से मोहित ने उस पूल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और सभी खुशी खुशी रहने लगे। पिताजी, आप तो जानते हो मेरा रहना सहना और मेरी पार्टियाँ, मेरे कपड़े का स्टाइल, ये सब कैसा है? और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शादी के बाद ही ये सब बदल दूंगी, तो आपकी सोच बेकार है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अरे बेटी, मैं सब जानता हूँ, इसीलिए तो ऐसे घर में तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ जहाँ पर तुझे कपड़ों पर कोई रोक टोक ना हो और ना ही कोई तुझे बंदिशों में रखे। जैसा तू पहनना चाहेगी वैसा तू पहने, जैसे तुझे रहने का मन हो वैसे तू रहना। लेकिन अब तेरी शादी के लायक उम्र हो गई है और तुझे शादी तो करनी ही होगी। हे भगवान, आपको तो समझाना ही बेकार है, आप ये क्यों नहीं समझ आती है पिताजी? अक्षरा बेटी, बहुत समय हो गया है, अब तुम पूरी 28 साल की हो गई हो। अगर इस उम्र में शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, एक बार लड़के को देख तो लो। आप लोग तो मेरे समझाने पर भी नहीं समझोगे, इसीलिए मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं। आपको जो ठीक लगे आप करो, बाद में मत बोलना जब मेरा डिवोर्स हो जाएगा। ऐसा कहकर अक्षरा अपनी सहेली नित्या से मिलने के लिए चली जाती है। देखो अक्षरा, एक ना एक दिन तो तेरी शादी होनी ही है, तो फिर तू परेशान क्यों हो रही है? मेरा मानना है कि हर किसी को अपनी बेटी प्यारी होती है और वो उसे पूरी फ्रीडम देता है। किसी के भी माता पिता अपनी बेटियों को तो अच्छे से रखते हैं, लेकिन जब बहू की बात होती है तो उनके ऊपर बहुत सी पाबंदी हो जाती है। अरे पगली, तेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, माना कि हर माँ बाप को अपनी बेटी प्यारी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब उनके घर पर बहू आएगी तो वो उसका गला घोट देंगे। तुझे इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबकी बातें सुनने के बाद अक्षरा शादी करने का फैसला ले लेती है। इसी बीच अक्षरा के माता पिता एक आदित्य नाम के लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस भारी से लहंगे में बहुत ज्यादा परेशान हो रही होगी। तुम चाहो तो तुम अपने कंफर्टेबल टाइप के कपड़े पहन सकती हो। मुझे पता है कि तुम दिखावा कर रही हो, इसीलिए तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अक्षरा को ऐसा लगता है कि उसके ससुराल वाले उसके सामने अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह दिखाई की रस्म पर वो बहुत भारी भरकम लहंगा पहनकर सबके सामने आती है, लेकिन उससे उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तभी उसकी सास कल्याणी उसका हाथ पकड़ती है और उसे उसके कमरे में ले आती है। वैसे मैंने मुंह दिखाई की रस्म के लिए तुम्हारे तोहफों को तुम्हारे कमरे में ही रख दिया था। ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी।
लेकिन माँ जी, इतनी छोटी ड्रेस पहनकर अगर मैं सभी मेहमानों के सामने आऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या आपको अपनी इज्जत के बारे में जरा भी ख्याल नहीं? ओहो बहू, मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हूँ। तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है, जिसके बाद अक्षरा बहुत खुश होती है और उस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर मेहमानों के सामने आ जाती है। सभी मेहमान उसे ही देख रहे होते हैं, लेकिन अक्षरा के परिवार वालों को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते अक्षरा अपनी मुंह दिखाई की रस्म को बहुत अच्छे से कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अक्षरा को अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना होता है। वो एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। बताइए सासू माँ, मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में? तुम पर बहुत प्यारी लग रही है। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? सहेली नित्या की बर्थडे पार्टी में। बस उसी की पार्टी में जा रही हूँ। अक्षरा इतना कहती ही है कि मोहल्ले की कुछ औरतें आ जाती हैं, जिसके बाद वो अक्षरा को इतने छोटे कपड़े पहने देख कल्याणी से कहती हैं, देखो कल्याणी बहन, तुम्हारी बहू बहू की तरह नहीं रहती। अरे ये सब शादी से पहले अच्छा लगता है, तब बहू बहू नहीं बल्कि बेटी होती है। तुम्हारी बहू के पहनावे की वजह से हमारे घर की बहू बिगड़ सकती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहू को समझाओ। मैं क्यों अपनी बहू को समझाऊं? पहली बात तो ये कि ये मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए कोई रोक टोक नहीं करूंगी। कल्याणी का करारा जवाब सुनकर संतोष और निर्मला कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप वहां से चली जाती हैं। ये देख अक्षरा को बहुत खुशी मिलती है और वो चुपचाप पार्टी में चली जाती है। पार्टी में जाने के बाद वो बहुत एंजॉय करती है और थोड़ी शराब भी पी लेती है, जिसके चलते उसे नशा हो जाता है। वो नशे की हालत में क्लब से बाहर निकल आती है। आधी रात हो रही होती है और रास्ते पर बहुत सन्नाटा होता है। आज तो कुछ ज्यादा ही पी ली, रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दिख रहा। अक्षरा चलते चलते अंधेरी सड़क पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर कुछ गुंडे बाइक पर आ जाते हैं और उसे देख अपनी बाइक रोककर अक्षरा को छेड़ने लगते हैं। चले जाओ यहाँ से कमीनों, अगर तुमने मुझे जरा भी टच किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सास और मेरे ससुर मुझे अपनी बेटी मानती हैं। उन्हें पता चला तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। अरे देखो तो सही, ये वही जलील बहू है जो अपने सास ससुर की इज्जत को सरेआम उछालती है। और ये ऐसे घर में ब्याह की गई है जिन्होंने अपनी बेटी को कभी सूट के अलावा कुछ भी नहीं पहनने दिया। जीन्स और ये शॉर्ट ड्रेस तो बहुत दूर की बात है। अरे पूरा मोहल्ला इसके सास ससुर पर तू तू करता है, इससे अच्छा तो इसे कहीं डूब कर मर जाना चाहिए। अरे बहू होकर बेचारों का फायदा उठा रही है, इसका फायदा उठा भी लेंगे तो क्या जा रहा है? कोई इज्जत तो है नहीं इसकी, पूरे मोहल्ले में बहू के नाम पर कलंक है। ऐसा कहकर वो दोनों उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर आदित्य अपनी माँ के साथ गाड़ी से आ जाता है और उनके सामने गाड़ी रोक कर उन गुंडों को बहुत मारता पीटता है। मेरी पत्नी के ऊपर जरा भी आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों गुंडे खूब पिटाई खाकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद कल्याणी अपनी बहू से कहती है, अरे बहू तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? उन दोनों गुंडों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। उन दोनों गुंडों ने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। उससे पहले तो आदित्य ने उनकी धुनाई करके उन्हें यहाँ से भगा दिया। लेकिन माँ जी मेरे मन में एक सवाल है। हाँ बहू पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे मन में? आपने कभी भी मुझे कोई भी कपड़ा पहनने से रोका नहीं और ना ही टोका, जैसे बाकी की सास अपनी बहू के ऊपर रोक तो करती हैं। मैं अपनी मर्जी से जी रही थी अभी तक, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ। बहू मैं जितना तुझ पर रोक टोक करूंगी तू इतना परेशान हो जाएगी, इसीलिए मैंने सब चीजें तुझ पर ही छोड़ दी थी, क्योंकि एक समय पर आने के बाद इंसान को सही और गलत में खुद अंतर समझ आ जाता है। और फिर बहू बेशक तुम्हारे घर की है, लेकिन मैंने और पूरे परिवार ने तुझे हमेशा घर की बेटी ही समझा है। ये सुनकर अक्षरा को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसके दिमाग में बहू और बेटी का फर्क हमेशा के लिए निकल जाता है। उस दिन के बाद से वो एक आज्ञाकारी बहू की तरह साड़ी पहनना शुरू कर देती है और अपने सास ससुर और अपने परिवार का भी ध्यान अच्छे से रखती है। वो एक संस्कारी बहू की तरह पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेती है और वो
अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।